किताब के बारे में ये खास बताना चाहूँगी आप सभी को कि यह इस श्रृंखला की दूसरी किताब है। दस्तक का पहला जो संकलन था ये 1989 में आया था, और उस वक्त हमारे कुछ सहपाठियों ने, हम लोग उस वक्त जस्ट एमए हमने पास किया था और रांची शहर झारखंड में हम लोग पले बढ़े, और वहाँ से शुरुआत हुई थी कि कुछ कवियों की रचनाएं जो थे वहाँ के रहने वाले, पर उनकी रचनाएं नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर की थी, और वैसे 10 कवियों को इकट्ठा करके पहला संकलन तैयार हुआ था दस्तक का। उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए, और वर्षों के बाद वापस सोशल मीडिया के ज़रिए, एक दूसरे के संपर्क के ज़रिए हम लोग वापस मिले। वी फाउंड ईच अदर अगेन आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ मेनी ईयर्स, और फिर दस्तक की चर्चा हुई और ये बात उठी कि क्यों ना इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए और दस्तक सीरीज़ की दूसरी किताब हम लोग तैयार करें। और उस वक्त इस दस्तक की तैयारी उस समय शुरू हुई, और जाहिर है वक्त काफ़ी बीत चुका था, तकनीक, संचार, सब कुछ बहुत बदल चुका था, एंड वी आर मच मोर कनेक्टेड टू ईच अदर दैन वी वर बैक देयर इन 1989, एंड हेंस दिस बुक हैज़ पोएट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो जो चीज़ शुरू हुई थी रांची झारखंड से, उसमें आज पूरे देश के कई कवि, कई देशों के कवि, इसमें सिंगापुर की शार्दुला हैं, विवेक आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया से हैं ही, मॉरिशस से अरविंद सिंह, निकित सिंह हैं इसमें, और कई कवि जो हैं इसमें भी हम लोगों ने 10 कवियों को ही रखा है। और अगर आपके पास, रेखा जी बता सकेंगी अगर क्या हमारे पास थोड़ा वक्त है कि हम कुछ कविताएं इसमें से प्रस्तुत कर सकें? हाँ बिल्कुल, विवेक की कविता विवेक ही पढ़कर सुनाएंगे, और मैं इसमें जो 10 कवि शामिल हैं उनमें से एक छोटा, छोटी छोटी झलकें आपको देना चाहती हूँ ताकि आपको एक झलक मिल सके इस संकलन की। पहले कवि है इसमें आमिर हमजा, और आमिर हमजा की कविता है घर। घर में इन्होंने लंबी कविता है, मैं सिर्फ एक उसका पैरा पढ़ रही हूँ। तमाम धर्म ग्रंथों से पवित्र, ईश्वर और अल्लाह से बड़ा, दैरो हरम से उम्दा, लुप्त हो चुकी महान सभ्यताओं से आला, दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द मैं कहूँगा घर। ये पूरी कविता उनकी घर के ऊपर ही है, और घर को उन्होंने, घर की खासियत बताई है कि सेज होम इज द बेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ। इसमें दूसरे जो हमारे कवि हैं वे हैं देवाशीष आर्य, ये उत्तर प्रदेश से हैं, और इनकी एक छोटी सी कविता इसमें जो हमने संकलित की, समझ। जब मैं छोटा बच्चा था मेरे पिता ने बताया था कि जीवन की कुंजी है खुश रहना, सुख हो या दुख हो। जब मैं छोटा बच्चा था मेरे पिता ने बताया था कि जीवन की कुंजी है खुश रहना, सुख हो या दुख हो। जब मैं स्कूल गया मुझसे पूछा गया कि क्या करूँगा मैं बड़ा होकर, मैंने बताया खुश रहूँगा। उन्होंने कहा मैंने सवाल को समझा नहीं, मैंने जवाब में कहा उन्होंने जिंदगी को नहीं समझा। तीसरी कवित्री हैं इसमें मंजुला बिष्ट, जो मुंबई से हैं, और इनकी एक कविता है प्रकृति असभ्य ही भली, लेट नेचर रिमेन अनसिविलाइज्ड। न जाने किन औपनिवेशिक ख्यालों के साथ बॉन्साई की देह एक मस्तिष्क में उग आई थी, बॉन्साई यानी कि बौने पौधे। भला क्या जरूरत थी एक वृद्धिरत काष्ठीय नौनिहाल को काट छाट कर उसे इतना सभ्य बना देना कि वह अपनी बिरादरी से ही बाहर कर दिया जाए। मुझे चमकते आंगन, टेरेस गार्डन के गांठदार पोरों से लदे फदे इन झुकी देहों से पूछना है कि क्या वे इस तरह सभ्य बनाए जाने पर
आकाश व धरती की विस्तीर्णता को अब ताकते नहीं हैं। चाय पी जाती है धीरे धीरे घूंट घूंट जीवन की तरह, चाय पी जाती है धीरे धीरे घूंट घूंट जीवन की तरह, पल पल हर दिन भरपूर, अंत में थोड़ी रह जाती है कप के तले में, जीवन में भी रह ही जाता है कुछ भूल जाने लायक। आपकी कविता कुछ सुनाएं। शुक्रिया आप सभी का। और मुझे नहीं पता था कि मुझे कविता सुनानी होगी, नहीं तो मैं कुर्ता पहन कर आता। दरअसल कविताएं दो तरह की होती हैं मेरे मुताबिक, एक जिनको पढ़ा जाता है और पढ़ते पढ़ते जिन्हें आप सो जाते हैं, और दूसरी जिन्हें सुना और सुनाया जाता है। सो इस किताब में जो कविताएं हैं वो मैं आपके पास छोड़ता हूँ पढ़ते पढ़ते सो जाने के लिए, और एक सुनाने लायक कविता सुना देता हूँ ताकि कविता उस रूप में जिंदा रहे जिस रूप में उसे होना चाहिए। इस कविता का शीर्षक है कोख से विद्रोह। माँ मैं जन्मने से इनकार करती हूँ, माँ मैं जन्मने से इनकार करती हूँ, भाई के मूल में, पापा की भूल में और दादी के लिए फिजूल में मिली ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। माँ मैं जन्मने से इनकार करती हूँ क्योंकि भाई के मूल में, पापा की भूल में और दादी के लिए फिजूल में मिली ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। अपनेपन में भीगे स्पर्श से डरने के लिए, अपनेपन में भीगे स्पर्श से डरने के लिए, गैरों की बाजारों निगाहों से झरने के लिए और सरकारी सुरक्षा में अंधेरी सड़कों पर मरने के लिए जन्मना मुझे मंजूर नहीं। तुम्हारी मदहोश ड्राइंग रूम डिबेट्स में घिसना, सरकारी रद्दी में कीड़े मकौड़ों के साथ पिसना और कविता कहानियों में अक्षर अक्षर रिसना मैं खारिज करती हूँ। तुम्हारी आवाज की कमजोरी के लिए, बेटी अपनी माँ से कह रही है कि तुम्हारी आवाज की कमजोरी के लिए, इच्छा के विरुद्ध सही सीना जोरी के लिए और बेटे चाहने की चोरी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ बेटे जन्मने की सजा देती। तुम्हारी मदहोश ड्राइंग रूम डिबेट्स में घिसना, सरकारी रत्ती में कीड़े मकोड़ों के साथ पिसना और कविता कहानियों में अक्षर अक्षर रिसना मैं खारिज करती हूँ तुम्हारी आवाज की कमजोरी के लिए, इच्छा के विरुद्ध सही सीना जोरी के लिए और बेटे चाहने की चोरी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ बेटे जन्मने की सजा देती हूँ। माँ अब मैं जन्म लूंगी उस आखिरी बेटे के बाद, माँ अब मैं जन्म लूंगी उस आखिरी बेटे के बाद जो पापा की इच्छा के खिलाफ, तुम्हारे तयशुदा अधिकारों से साफ और तुम्हारी मजबूरी के लिहाफ में लिपटा हुआ जन्म लेगा। माँ अब मैं जन्म लूंगी उस आखिरी बेटे के बाद जो पापा की इच्छा के खिलाफ, अपने तयशुदा अधिकारों से साफ और तुम्हारी मजबूरी के लिहाफ में लिपटा हुआ जन्म लेगा। तब तक जन्मने की रोक से, पूरे शौक से मैं इस लोक से विद्रोह करती हूँ। माँ मैं तुम्हारी कोख से विद्रोह करती हूँ।